केजरीवाल गुंडा, मैं कह रही हूँ केजरीवाल गुंडा थे, मिनिस्टर गुंडा है। एक्चुअली में क्या है, कुछ मीडिया को वहाँ से भेजा गया है कि तुम इसको हिंदू मुसलमान करो। हम कहते हैं मीडिया पे भी सवाल उठाएंगे। हमारे मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, जितने अच्छे काम करे भारत को विश्व गुरु बनाने में मोदी जी का हाथ है। केजरीवाल तो 2013 में इन सबको छोड़ कह रहा था, आज उनके चरणों में बैठ के कह रहा है मेरे से गठबंधन कर लो। बीजेपी पार्टी वॉशिंग मशीन है। नहीं, बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, इनके पास 62 अपराधी हैं, आम आदमी के पास 62। नमस्कार, मैं अभी ITO के पास खड़ी हूँ, आम आदमी का कार्यालय यहीं पे पास में है। आप वो विजुअल्स देखिए, कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे कि कितने भारी तादाद में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आप पूरी सड़कों की हालत देख सकते हैं, बैनर पूरे गिराए हुए हैं, बैनर सारे जो है तोड़ के गिराए हुए हैं, और ये लोग नारा लगा रहे हैं केजरीवाल गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, वीरेंद्र जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वीरेंद्र जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ दिन पहले तो मोदी अडानी चोर चोर के नारे लग रहे थे, और आज आप दिल्ली सरकार चोर के नारे लगा रहे हैं। हम कौन सा गलत लगा रहे हैं, दो दो मंत्री जिसके जेल में हो, चोरी में तो जेल में है, वो एक हेल्थ मिनिस्टर है जो कहता है बहुत अच्छा मॉडल है हेल्थ का, वो जेल में है, बेल हो नहीं पा रही। दूसरा कहता है मैंने शिक्षा सुधार दी, वो भी जेल में है। आपने बोला बेल नहीं हो पा रही, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जैसे ही बेल होने वाली थी जज बदल दिया। जज क्या बदल दिया, बड़ास में तो सरकारी सिस्टम होता है, ट्रांसफर होते रहते हैं कर्मचारियों के, कोई भी कर्मचारी हो, पॉलिसी होती है सरकार की, अगर 3 वर्ष पूरे हो गए या 2 वर्ष पूरे हो गए तो जाएगा, दूसरा आएगा। एक बात सोचने वाली बात है कि सारी विपक्षी पार्टियां अभी बीजेपी पे हमला कर रही हैं, कुछ ना कुछ तो गलत होगा इसमें। सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, उन्होंने कहा चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो मुकाबला कर सकते हैं मोदी जी का, लेकिन होगा नहीं मुकाबला। मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, सबको पता है। कैसे विश्व गुरु बना रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी, क्या बना रहे हैं, देश को विकास कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। और आपने देखो ना, अब आप 2 घंटे में अगर देहरादून पहुंच जाओगे, सड़कों का विकास हो रहा ना, 8 घंटे में आप कटरा पहुंच जाओगे। लेकिन आपको मालूम नहीं है, ट्रेनें लेट चल रही हैं, और बीजेपी सरकार जो है, आप लोग जो है ये दावा करते हैं कि हम प्लेन की सुविधा दे रहे हैं, प्लेन की सुविधा, लोगों के पास रोजगार नहीं है और आप लोग कहते हैं कि सुविधा दे रहे हैं। रोजगार की तो कोई कमी है नहीं, आप बता दो कोई भी बेरोजगार हो तो, क्योंकि मोदी जी कह रहे ना खुद का काम करो, ऐसे लायक बनो, ये कह रहे हैं कि कोई बेरोजगार नहीं है। आप लोग इस पे इनके जो सवाल है उन पे जवाब आप लोग दीजिएगा कि आप लोग बेरोजगार हैं या आपके पास रोजगार है, क्या रोजगार। मोदी जी का विजन ये है कि हम नौकरी देने वाले बने, मांगने वाले नहीं बने। स्टार्टअप इंडिया का मतलब यही है कि हम काम दें लोगों को। लेकिन आपको जैसा पता होगा कि किसान भी धरने पर है, जवान भी धरने पर, शायद आपको मालूम नहीं होगा। मेरे को सब मालूम है, मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ। कोई किसान धरने पे नहीं है, कोई किसान धरने पे नहीं है, किसान बताओ धरने पे हो तो सुनो, जो ग्रुप था चुनाव के टाइम पे आते हैं, वो सीजनल है, वो सारा फिक्स है, सब कुछ फिक्स होता है। किसान जो आ रहे हैं, जो रामलीला मैदान में इतने भारी तादाद में किसान आए थे, वो सारे फिक्स है, फिक्स है ग्रुप। देखो क्या है, दुकानदारी चलानी है उन्होंने, मैं भी किसान का बेटा हूँ, दुकानदारी चलाने के लिए 20 ग्रुप है, 100-150 लोग सब ले आएंगे, वो धरना हो गया, और अपने स्वार्थ उनके। जब पार्लियामेंट का चुनाव है उसके बाद गायब हो गए थे ना सारे गायब, अब फिर पार्लियामेंट का चुनाव है फिर आ जाएंगे। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, अपनी राजनीति चमकानी है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो किसान आ रहे हैं वो सारे विपक्षी पार्टी के द्वारा बुलाए जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और किसानों को तो इतने स्कीम दे दी मोदी जी ने, 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, पहले मिलता था किसी को, उसके बाद बीमा योजना, किसान बीमा योजना बहुत मिनिमम चार्जेस में हो रही है। MSP की मांग कर रहे हैं किसान, MSP की मांग कर रहे हैं ना, इस देश में बहुत आइटम है, एक गेहूं नहीं है खाली, चावल नहीं है, और भी कई सारे मुद्दे हैं। जो वहाँ जो 1 साल तक जो किसान धरने पे थे उन पे गाड़ियाँ चलाई गई थी, वो बेल रिहा हो चुके, वो मंत्री है बीजेपी के। पिछले धरने में देखा होगा ना, पंजाब के किसान आए, पंजाब में अब किसकी सरकार आई, इन्हीं चोरों की सरकार आई। अब वहाँ क्या हो रहा है पंजाब में, एक उग्रवादी
जो खालिस्तान का नारा लगा रहा है 20 दिन से मिल नहीं पा रहा है इनको। ऐसा हो सकता है इस देश में? 20 दिन से 10,000 पुलिस वाले घूम रहे हैं और केजरीवाल की सरकार है वहाँ पे, पकड़ नहीं पा रही है। तो सब मिली भगत से चल रहा है सब काम। और ये सब जो किसानों को सपोर्ट किया इन्होंने उस टाइम पे, इन्होंने बंधक बनाया दिल्ली को, तीन रास्ते बंद रहे, कोई ना इधर आ रहा ना उधर जा रहा। आपने कहा लेकिन पंजाब सरकार अच्छा एक्शन ले रही थी क्योंकि नेट वगैरह बंद कर दिया गया था, सारी पुलिस जो है हरकत में थी, पंजाब सरकार हरकत में थी। वो कैसे भाग जा रहा है? पुलिस पहुंचने से पहले भाग जा रहा है? नेट तो बंद कानून व्यवस्था के लिए करना पड़ता है, हर सरकार करती है थोड़ा बहुत, कहीं भी शासन हो थोड़ा बहुत करेगी। तो ये जो पहले केजरीवाल सरकार भी नारे लगा रही थी कि मोदी अडानी भाई भाई, इसका क्या आप लोग जवाब देंगे? और कोई मुद्दा तो है नहीं इस देश के। उद्योगपति शरद पवार ने क्या कहा, क्या कहा उद्योगपति ना, अडानी कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। कहा ना डिग्री कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। इसके कितने जो खुद का जो मंत्री जेल में है उसकी डिग्री का नहीं पता किसी को, और मोदी जी की डिग्री तो सार्वजनिक है। केजरीवाल तो IITN है। IITN से क्या होता है? अब लालू की घरवाली तीसरी पास थी, मुख्यमंत्री थी ना, सरकार चला रही थी ना, मोदी जी फिर भी एमए पास है। लेकिन मोदी जी ने अपनी डिग्री तो दिखा दी, दिखा दी। जब ये मुद्दा नहीं होगा ना तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वो जेल ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे जो मंत्री जेल में है ना उसको आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि गृह मंत्री इतना कॉन्फिडेंस हो के ये कैसे बोल पा रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही आएंगे? काम करते इसलिए आएंगे, जब काम करते तो आएंगे ना। आप इस मैडम के इधर कैमरा कीजिए, इन पे लिखा हुआ है अपराधियों की सरकार आप सरकार, ताहिर हुसैन दंगों में गिरफ्तार केजरीवाल जवाब दो। आप मुझे ये बताइए कि हथरस का कांड हुआ था बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, उसका क्या जवाब देंगे? मैं उसका नहीं, मैं इसका जवाब दूंगी क्योंकि इस टाइम की दिल्ली में इनके भ्रष्टाचार जितने मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ताहिर हुसैन का जवाब लेंगे ना। डिग्री मांगा जा रहा है तो आप लोग को बुरा लग रहा है क्या? क्या मोदी जी की डिग्री मांगी जा रही है तो बुरा लग रहा है? नहीं, मोदी जी की डिग्री हमें मांगे जा रहे हैं हमें बुरा नहीं लग रहा। मोदी जी की डिग्री पूरा भारत दे रहा है, जिसने भारत को विश्व गुरु बना दिया उनके। किस मामले में विश्व गुरु बना है भारत? आप देखो ना किस मामले में उन्होंने विश्व गुरु नहीं बनाया, बताइए आप बताइए। योजनाओं के लिए, महिलाओं के लिए योजना, महिलाओं के साथ अपराध वही हो रहा है। अपराध मोदी जी कर रहे हैं? नहीं कर रहे, लेकिन एक्शन भी तो नहीं लिया। जो काम गलत होता है मोदी जी करते हैं समाज में। केजरीवाल गुंडा, मैं कह रही हूँ केजरीवाल गुंडा, मिनिस्टर गुंडे है। हमारे मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, जितने अच्छे काम करे भारत को विश्व गुरु बनाने में मोदी जी का हाथ है। अगर मोदी जी का कोई और होता ना तो आज के दिल्ली की हालत बहुत बुरी होती। लेकिन अमेरिका से एक रिपोर्ट आया है कि मोदी जी जब से सरकार में आए हैं लोकतंत्र खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। अल्पसंख्यक खतरे में नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में कब है? क्योंकि जब से हज कमेटी की हमारे बीजेपी की बहन चेयरमैन बनी है, इन्होंने पहले क्यों नहीं किराया लिया हज कमेटी का? 8 साल से जब किराया था क्यों नहीं लिया आपने किराया? आज बीजेपी की हज कमेटी की बहन हमारी बनी है चेयरमैन, तो आप किराया मांग रहे हो? इन्होंने ना मुस्लिम भाई का भी साथ नहीं दिया। मोदी अडानी चोर चोर के नारे लग रहे थे, उसमें क्या कहे? चोर लगा रहे हैं, चोर उचक्के लगा रहे हैं। ये नारा किसने लगाया? लेकिन आप बोले चोर उचक्के, वहीं पे ममता बनर्जी जो है वो कहती है बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन है, कितने भी काले काम करो वॉशिंग मशीन में डालो धुल के आ जाएंगे। ममता बनर्जी कहां से निकली है? पार्टी कांग्रेस से निकली है ना, ये सारे उसका ब्रेड वर्जन है। जो कांग्रेस की सोच थी वो केजरीवाल की सोच है, वो ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी को तो अभी 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सारे जो विपक्षी पार्टियां है उसके घर तो ईडी सीबीआई जा रहे हैं। हाँ तो उन्होंने पाप किया है, कर्नाटक के अभी एमएलए भी तो पाप किया है उसके। अगर किसी ने किया तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं। अगर किसी ने किया तो कोर्ट में जाए, अगर आप पे सबूत है तो कोर्ट में जाइएगा। केजरीवाल के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने दिया है। कोर्ट कह रही थी कि हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। किस कोर्ट ने कहा? तो उनको उनको बेल क्यों नहीं मिल रही सत्येंद्र जैन को? बेल बोला कि जज बदल दिए गए। जज बदल दिए किसने बोला गया ये बात? केजरीवाल ने बोला। केजरीवाल तो 2013 में इन सबको छोड़ कह रहा था, आज उनके चरणों में बैठ के कह रहा है मेरे से गठबंधन कर लो। आप लोग MCT के चुनाव के बारे में जानते होंगे, वो MCT का चुनाव भी केजरीवाल की सरकार ने जीता। कहाँ जीतेगा? उसने क्या लिखा था? उसने लिख के दिया था कि 15-20 सीटें आएंगी बीजेपी की, और बीजेपी 104 सीटें आएंगी 15 साल राज करने के बाद। केजरीवाल कह रहा है मेरे 230 सीटें आएंगी, उसकी आएंगी 134 सीटें। वो तो हार आएगा, वो तो जीत गया उसकी। कहाँ जीतेगा? केजरीवाल जीता होता तो 230 सीटें आती उसकी।
और बीजेपी 15 सीटें आती, बीजेपी के 4 सीटें आएंगी, हारा कौन है का? हारा तो केजरीवाल का। इन्होंने भी आप देख सकते हैं कि अपराधियों, लेकिन आप जो है आप लोग इतना जो लगा रही हैं मुसलमानों को लेके, सिर्फ आप लोग जो बोले हिंदू मुस्लिम कर रही हैं आप लोग। नहीं, हम बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, हम जो यहाँ के मुख्यमंत्री लोग कहते हैं बीजेपी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम का राजनीति कर, नहीं बिल्कुल राजनीति कहती। मेरे साथ में चलिए देखिए, मुझे मुसलमानों ने जब मैं चुनाव लड़ी 1000 वोट डाला था मुस्लिम मेरे साथ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इसको भी चाहिए हिंदू मुसलमान क्यों देख रहे हो? अतीक अहमद कह रहा है कि हमें डर लग रहा है। हाँ तो अपराधियों को तो डर लगना चाहिए, यही तो ये राम राज्य है, ये तो विश्वगुरु हिंदुस्तान बन रहेगा कि अपराधियों को डर लग रहा है, तख्ती लेके घूम रहे हमको अंदर डाल दो, एनकाउंटर मत करना। अपराधी ना हिंदू होता ना मुसलमान होता है, अपराधी अपराधी होता है। ये मीडिया है कुछ बानू के अपराधियों को क्यों छोड़ दिया गया? किसको? वो कोर्ट नहीं, वो कोर्ट ने छोड़ाएगा, सरकार ने नहीं छोड़ा, कोर्ट ने छोड़ाएगा, कोर्ट का आदेश आएगा। और उसकी बात नहीं तो राजीव गांधी ने उस वक्त अध्यादेश को फाड़ दिया था, वो हिंदू मुसलमान कर रहा था राजीव गांधी के टाइम पे, जो सरकार के साथ उड़ती हिंदू मुसलमान। बीजेपी सरकार कहीं भी हिंदू मुसलमान करती, आज एक छोटी सी कार्यकर्ता कोसो जहां को चेयरमैन बना दिया गया बीजेपी। आप लोग जो आप आम आदमी पार्टी पे, सुनिए हमारे बच्चों को मरवाया, ठीक है, सुनिए गलत किया, हम इसको ये मुसलमान नहीं कह रहे, ये इसको एक आदमी है, ये समझाइएगा। सुनिए सवाल सुनिए पहले, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के बारे में आप इतना बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है, मतलब नेशनल पार्टी बन गई तो उनको गुंडा करने की वो मिल गया लेसन मिल गया। लेकिन 10 साल में इतना जल्दी तरक्की कर, 10 साल में बीजेपी पहले साल में बन गई थी, बीजेपी पहले साल में नेशनल पार्टी बन गई थी, इसको तो 10 साल लग गए। वो कहते हैं आरएसएस सबका सपोर्ट, अरे वो तो गुंडा है का, गुंडों का सरगना, जो अपने मंत्रियों को जेल से नहीं छुड़ा पा रहा, कोर्ट उसको जेल की एक दिन की रिहा के लिए नहीं छुड़ाएगा, क्यों छुड़ाएगा बताइए? अगर वो गलत है तो क्यों छुड़ाएगा? तो हम भी तो ये कह रहे हैं, अगर गलत तो क्यों छुड़वा रहा है, फिर वो पोस्टर क्यों लगा रहा है मिस यू मनीष सिसोदिया, ये तो आप उनसे पूछो ना कि आप लोगों के नजर में अगर वो गलत है। हम लोगों की नजर में नहीं, कोर्ट पे एविडेंस देंगे, एविडेंस कहाँ है उनके पास है? 2 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पा रही, 2 महीने से। अभी तेजस्वी यादव के घर पे भी गए थे, तेजस्वी यादव के घर पे कुछ भी नहीं मिला, 50 लाख रुपए सिर्फ कैश मिला, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया घर पे कुछ नहीं मिला था ना, कह रहे थे मेरे तो बैंक के लॉकर में झुंझुना मिलाएगा, मेरी जमीन कुछ नहीं, कोर्ट के पास सारा एविडेंस है, कोर्ट एविडेंस को रिवील करने का, ये प्रेस रिलीज में लाइए सारा चीज दिखाइए। वो कोर्ट में केस है, कोर्ट देखेगा उस चीज को, जनता क्यों देखेगी उस चीज को? कोर्ट देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कोर्ट पे एविडेंस होते तो मनीष सिसोदिया को सत्यन जैन को छोड़ नहीं देते। आप लोगों में गुस्सा है कि आम आदमी पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन चुका है। ये तो नेशनल पार्टी तो 2 दिन पहले बनी है ना, और ये बाढ़ का पानी है, जितना तेजी से अंदर आया उतना तेजी से बाहर जाएगा। देख सकते हैं ये लोग कह रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इनके जो है ताहिर हुसैन, और आज तक कोई अपराधी हिंदू नहीं हुआ है, है ना? यहाँ पे पोस्टर देखो ना आप, दिखाइए एक पोस्टर दिखाइए जिसमें हिंदू। एक मिनट, मैं अभी आपको 4 पोस्टर दिखाऊंगा जिसमें हिंदू मुसलमान आप लोग कर रहे हो, आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगोगे अभी? जी दिखाइए दिखाइए, हम देखना चाहते हैं, हम कौन है बनिया, वो तो हिंदू है जी, इनको लाने दीजिए ताकि आप लोग के बारे में पता चले। कर्म है ना, उसने कर्म गलत किए, उसने जो गलत काम किया तो जेल में। तो अभी आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोगों के हाथों में यही है, हम आपको और भी पोस्टर्स दिखाएंगे। ये इधर इधर दिखाइए, रंगदारी में ये कौन है? अरे आप बताइए कौन है, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो? एक्चुअल में क्या है, कुछ मीडिया को वहाँ से भेजा गया कि तुम इसको हिंदू मुसलमान करो। हम कहते हैं आप मीडिया पे भी सवाल उठाएंगे, हैं जी? मीडिया आपने हिंदू मुसलमान किया कि यहाँ पे हिंदू नहीं है मुसलमान है, अब ये कौन है? अब आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो कि मेरे से गलती हुई है। मेरे से क्यों गलती, हम तो लोग को दिखा रहे हैं, देखिए ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, अब आप ये लोग, इन लोगों के पास हिंदुओं का भी है, ये हिंदू है कौन है, ये ठीक है प्रकाश जायसवाल कौन है? ठीक है प्रकाश देंगे, ये अपराधी हैं, इनके पास 62 अपराधी हैं, आम आदमी के पास 62, और आप लोग वॉशिंग मशीन है, सारे अपराधियों को धूल देंगे सब, इन्हें सब पे सर्टिफिकेट चेक किए थे ना, कागज चेक करिए जी, सब ओरिजिनल है जी, सब ईमानदार है जी, सबको सब पकड़े जा रहे हैं सब, इनके साथ बीजेपी पार्टी वॉशिंग मशीन है। नहीं, बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी पार्टी तो गंगा यमुना तहजीब है, वो सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आप लोग इनकी बात से आप अगर सहमत है या असहमत है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, धन्यवाद।